हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू जीडीसी तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें हम कवर करने वाले हैं एंजाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एंजाइम जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपके तो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एनजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे चलिए फर्स्ट दिया है आपका यहां पर कैटालिस्ट इज डिफाइन एज जो कैटालिस्ट होते हैं जनरली वो डिफाइन होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट यहां पर क्या दिए हैं टर्म्स दिए हैं देख लेते हैं ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है आपका क्या इंक्रीजेज द वेलोसिटी जी हाँ जो कैटालिस्ट होते हैं आपके जनरली ये क्या करते हैं वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, है ये सेकेंड आपका डिक्रीज द वेलोसिटी जी नहीं अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो तो डिक्रीज की तो फिर यहां पर बात ही नहीं होगी मीन ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ये वाला आपका थोड़ा सा ठीक है नेक्स्ट आपका क्या लिखा है इंक्रीजेज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जी हाँ जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट को भी क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं इन्हेंस करते हैं तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है ऑप्शन लास्ट क्या दिया हुआ है बोथ ए एंड सी जी हाँ ए और जो सी ऑप्शन है आपका ये सही है डिक्रीज वाला ऑप्शन आपका क्या है गलत है तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर डी इज द राइट आंसर तो कैटालिस्ट की बात करें तो एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट ये क्या होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं बायो कैटालिस्ट होते हैं द कैटालिस्ट ऑफ लाइफ ए कैटालिस्ट इज डिफाइंड एज ए सबिस्टेंस ज द वैलुसिटी और रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो क्या करते हैं वैल्युसिटी को इंक्रीज करते हैं और रिएक्शन की रेट को भी क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कैटालिस्ट बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर नेचर ऑफ एन एंजाइम इज होते हैं उनका नेचर क्या होता है तो एक चीज तो सभी को पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स तो सभी को पता है जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन हो जाएगा चलिए ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट दिया हुआ है आपका क्या लिपिड तो ये लिपिड नहीं होते हैं सेकंड आपका क्या है विटामिंस तो विटामिंस भी में भी नहीं आएंगे ये कार्बोहाइड्रेट्स ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा द राइट आंसर इज डी यानी कि प्रोटीन तो एंजाइम्स का नेचर कैसा होता है ये प्रोटीन नेचर के होते हैं तो द करेक्ट आंसर इज डी डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो एंजाइम्स में भी डिफाइंड एज ए बायो कैटालिस्ट सिंथेसाइड बाय लिविंग सेल लिविंग सेल के द्वारा क्या होते हैं ये होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्शन एक्टिंग एज ए राइबोजोम राइबोजाइम्स जो आर होता है ये एज ए राइबोजाइम्स वर्क करता है एक्सेप्ट आर वाले को छोड़कर बाकी जो भी आपके क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट ऑफ एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है एंजाइम की प्रेजेंस में वो कैसी होती है लो होती है हाई होती है इक्वल होती है या फिर आपकी कांस्टेंट होती है तो याद रखिएगा फॉर एग्जांपल आपका कोई भी रिएक्शन है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका क्या है एक रिएक्शन हो रहा है तो जब यहां से इस तरीके से आपकी क्या होगी रिएक्शन होगी तो यहां पर आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो कैसा होगा ज्यादा होगा वही एंजाइम्स क्या करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके क्या करा देते हैं रिएक्शन कंप्लीट करा देते हैं यानी कि यहां पर एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होगी लो होगी तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लो होगा तो ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है हाई इक्वल और कांस्टेंट ये तीनों ऑप्शंस क्या है आपके गलत है तो एंजाइम की प्रेजेंस में जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस टाइम पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है आपकी लो रिक्वायर्ड होती है कम एनर्जी क्या होती है रिक्वायर्ड होती है तो द करेक्ट आंसर क्या है आपका ए इज द करेक्ट आंसर तो यहां पर आप देख सकते हैं एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट एक्ट एज ए कैटालिस्ट ये कैसे होते हैं कि स्पेशलाइज्ड टाइप के क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के सब्सिट्रेट से क्या होते हैं आपके अटैच होते हैं और जनरली क्या कराते हैं रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर विदाउट एंजाइम देखेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर ज्यादा होगी और एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हमेशा लो रिक्वायर्ड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन विच टाइप ऑफ एंजाइम यूज यानी कि यहां पर जो रिएक्शन दी हुई है वहां पर किस टाइप का एंजाइम आपका यूज होगा चलिए ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट दिया है आपका क्या एल्कोहल प्लस एनएडी जब हम इसका क्या करा रहे हैं रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहल और डिहाइड्रोजीनियस एंजाइम की प्रेजेंस में तो क्या बन रहा है आपका एल्डिहाइड प्लस एन ए डी एच प्लस एच तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका यहां पर कौन सा एंजाइम आपका कौन सी रिएक्शन आपकी हो रही है ये यह यहाँ पर पूछा हुआ है तो एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं फर्स्ट दिया है ऑक्सीडो रिडक्टेजिस सेकेंड है आपका ट्रांसफर थर्ड है आपका हाइड्रोलेज़ेस और फोर्थ है आपका लाइज तो यहां पर जो एंजाइम आपका वर्क करेगा वो कौन सा है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज़ेस। ये एंजाइम आपका क्या करेगा वर्क करेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑक्सीडोरिडक्टेजिस कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एम्प्लॉ को एम एन एनएडीपी और एपीडी और लिपोलिक लिपोइक एसिड एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर विच टाइप ऑफ कैटेलाइज ग्रुप ट्रांसफर फ्रॉम वन मोनिकोल वन मॉलिक्यूल टू अनोदर मॉलिक्यूल यानी कि यहां पर किस टाइप का ग्रुप जनरली कैटालाइज जनरली आपका वर्क करता है एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर करने के लिए चलिए देख लेते हैं फर्स्ट दिया है आपका क्या ट्रांसमिनेज नाम में ही छुपा हुआ है क्या ट्रांसमिनेज यानी कि क्या करेगा अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर कराएगा तो ये भी आपका वर्क करेगा नेक्स्ट है आपका ट्रांस ये भी आपका क्या कराएगा ट्रांसफर कराएगा और लास्ट है आपका फॉस्फोम्यूटेज ये भी आपका क्या कराता है वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या कराता है ट्रांसफर कराता है किसी भी ग्रुप का तो ये सारे ही आपके एंजाइम वर्क करेंगे तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबब तो ऑल ऑफ द अबब क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर आप देख सकते हैं कैटेलाइज वेरियस काइंड ऑफ ग्रुप ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू यानी कि एक मॉलिक्यूल से ग्रुप को दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप पे क्या कराना ट्रांसफर कराना ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स क्या करते हैं वर्क करते हैं यहां पर तो सम कॉमन नेम्स आर ट्रांस अमाइनेज ट्रांस स्कारबोक्सीज एसाइल ट्रांसफरेज नाम में ही आपको सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी एक्सेप्ट फॉस्फोम्यूटेज ये भी आपका क्या है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे ग्रुप को क्या कराता है ट्रांसफर कराता है तो यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं फॉस्फोम्यूटेज म्यूटेज में तो इसको भी याद रखिएगा तो ये हो गया आपका क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर चलिए तो ए माइनस बी प्लस एस टू ओ इजिकल टू ए एच प्लस बी ओ एच तो यहां पर क्या हो रहा है कौन सी रिएक्शन हो रही है देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है वॉटर प्रेजेंट है यानी कि Hydro -present, hydro -present, that means hydro की बात बात हो हो रही रही है, है, है? तो यहां पर है। पर समझिएगा क्या लिखा हुआ है? Transferases, liase, और आपका तो हाइड्रोलेसिस आपका? आपका क्या है जनरली एंजाइम है जो वर्क करेगा कहां पर इस प्रोसेस में तो क्या हो जाएगा द नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोलेसिस इज द राइट आंसर तो डी क्या है आपका राइट right आंसर है तो कैटालाइज क्लेविज ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए कार्बन एंड सम अदर एटम बाय एडिशन ऑफ वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर विच टाइप ऑफ कैटालाइज ब्रेकेज ऑफ सी 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 एस और सी एन एक्सक्लूडिंग पैप्टाइड बॉन्ड यानी कि यहां पर कौन सा कैटेलाइज्ड आपका क्या करेगा ब्रेकेज कराएगा किस में सी में सी एस के बीच में और सी एन के बीच में तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है लाइज जी हाँ यही आपका क्या कराएगा जनरली आपका क्लेबेज कराएगा जनरली आपका ब्रेकेज कराएगा किसके बीच में सी सी के बीच में सी एस के बीच में और सी एन के बीच में आइसोमरेजेज ट्रांसफरेजेज और ऑक्सीडो रडक्टेजेस ये आपके ऑप्शन नहीं है ये गलत है तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर तो कैटलाइज ब्रेकेज ऑफ सी 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 एस और सी एन एक्सक्लूडिंग पैप्टाइड बॉन्ड जो पैप्टाइड बॉन्ड होता है उसको छोड़कर यहां पर बात हो रही है किसकी सीसी सी एस और सी एन की तो यहां पर क्या होगा आपका जो ब्रेकेज होगा किसकी प्रेजेंस में होगा लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एंजाइम यानी कि जो आपके एंजाइम दिए हुए हैं फर्स्ट दिया है आपका एपीमेरेज म्यूटेज और रेसिमेज तो ये किस टाइप के आपके एंजाइम है फर्स्ट दिया है ऑक्सीडोरिन सेकेंड है आपका लाइज थर्ड आपका आइसोमरेजिस और फोर्थ आपका ट्रांसफर तो ये आपके किस टाइप के एंजाइम है टाइप के क्या है एंजाइम है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर तो कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ए कंपाउंड इनटू ए आइसोमर यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो क्या करते हैं किसी भी कंपाउंड को

एक्टिविटी यानी कि कौन कौन से activity से आपके जो होते हैं आपके क्या होते हैं होते हैं तो फर्स्ट दिया है आपका एंजाइम कंसंट्रेशन थर्ड है आपका क्या टेम्परेचर जी हाँ एंजाइम जो होते हैं आपके जनरली ये कैसे होते हैं थर्मोलेवाइल होते हैं यानी कि इन पर टेम्परेचर का क्या होता है इफेक्ट पड़ता है पहली चीज ये इफेक्ट करेगा दूसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये भी आपका क्या करता है एंजाइम पर इफेक्ट करता है नेक्स्ट आपका एंजाइम एंजाइम कंसंट्रेशन ये भी आपके पे क्या करता है इफेक्ट करता है यानी कि तीनों ही आपके क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अब अब यानी कि सारे ही पॉइंट्स आपके सारे ही आपके क्या है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम पर तो द करेक्ट आंसर इज डी

नेक्स्ट आपका टेम्परेचर ये भी आपका अफेक्ट करता है और पीएच क्या पीएच है आपका कंपाउंड का वो भी आपका इफेक्ट करता है तो ये सारे आपको याद करने हैं जितने भी अफेक्टिंग फैक्टर आपके क्या हैं कंपाउंड्स के हैं डिफरेंट डिफरेंट फर्स्ट दिया है आपका ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है वॉट एक्टिविटी सोज इन केस ऑफ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इज इंक्रीज यानी कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होगा इंक्रीज होगा तो क्या इंपैक्ट होगा देखते हैं फर्स्ट दिया है इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी नेक्स्ट आपका डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी थर्ड है आपका नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी लास्ट है नन ऑफ द तो जब भी आपका जो सबस्ट्रेट होता है उसका जब भी क्या होगा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा यहां पर याद रखेगा इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर तो एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी टिल ए मैक्सिमम वैलुसिटी इज रीज मैक्स ए फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जब भी सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा तो एंजाइम एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर विच एंजाइम यूज फॉर डेब्रिडमेंट ऑफ डर्मल अल्सर एंड शिवियर बर्न यानी कि यहां पर कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है आपके जनरली डर्मल अल्सर में और आपके बर्निंग के केस में तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में फर्स्ट दिया है आपका क्या फाइब्रेनोलाइजिन सेकेंड आपका क्या हाइलनोरी नेक्स्ट आपका क्या कॉलेजिनेज और लास्ट है आपका रेनिन तो याद रखिएगा कोलेजिनेज जो एंजाइम होता है जनरली ये क्या किया जाता है आपका यूज़ किया जाता है जो डेट स्किन होती है जो डेट टिश्यूज होते हैं उसको रिमूव करने के लिए बर्निंग के केस में और अल्सर के केस में तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉलेजिनेज एंजाइम इज जनरली यूज इन द केस ऑफ डर्मल अल्सर एज वेल एज शीबर वर्स तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर कोलेजिनेज यूज फॉर डेब्रीडिमेंट डेब्रीडिमेंट का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ बाउंड बाय रिमूविंग ऑफ आपका जो टिश्यूज होते हैं कैसे जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको हटाकर क्या होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बोलते हैं ऑफ डर्मल अल्सर एंड सेवरल वर्क इस टाइप से आपका जब भी क्या होता है बर्निंग होता है या फिर कोई भी टिश्यू आपका क्या हो जाता है डेथ हो जाती है टिश्यूज की तो उस कंडीशन में जनरली इस टाइप के एंजाइम का क्या किया जाता है यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर वॉट एक्शन शोज इन केस ऑफ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि लार्ज कंसेंट्रेशन होगा अगर प्रोडक्ट का तो क्या देखने को मिलेगा एक्शन क्या देखने को मिलेगा फर्स्ट दिया है क्या इनिविशन ऑफ द रिएक्शन सेकेंड आपका फास्ट ऑफ द रिएक्शन थर्ड स्लो ऑफ द रिएक्शन एंड फोर्थ है आपका नॉट इफेक्ट ऑफ द रिएक्शन तो यहां पर बात हो रही है किसकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की यानी कि प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन क्या होगा लार्ज होगा तो याद रखिएगा इनिविशन ऑफ द रिएक्शन देखने को मिलेगा यानी कि यहां पर क्या होगा जो रिएक्शन होगा वो इनिविट हो जाएगा तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज पार्ट रिएम कैटेलाइज रिएक्शन ये क्या है आपका जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है वो क्या है पार्ट है किसी भी रिएक्शन का लेकिन जब भी आपका इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट इनिविशन ऑफ द रिएक्शन इज ऑब्जर्ड यानी कि अगर प्रोडक्ट का क्या होगा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा इनिबिट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं चलिए क्या पूछा हुआ है यहां पर सिस्टीन और ब्यूटाथायोन रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्टिवेटेड बाय होता है एक्टिवेट होता है किसके द्वारा जनरली क्या होता है एक्टिवेट होता, होता, होता है तो फर्स्ट दिया है वो आपका एसेज एंजाइम के थ्रू नेक्स्ट आपका एंट्रोकाइनी थ्रू नेक्स्ट आपका क्या के थ्रू या फिर जेड एन टू प्लस के थ्रू तो यहां पर ऑप्शन में क्या होगा याद रखिएगा जो आपका जनरली सिस्टीन और ग्लूटाथायोन होता है ये जनरली क्या होता है एक्टिवेट होता है किसके थ्रू आपका एसेस एंजाइम के थ्रू आपका क्या होता है ये एक्टिवेट होता है तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर तो यहां पर देख सकते हैं सिस्टीन एंड ग्लूटाथायोन रिड्यूसिंग एजेंट एक्टिवेट किसके द्वारा आपके एस एंजाइम के द्वारा क्या होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है पैप्सिनोजन इज एक्टिवेट बाय जो पैप्सिनोजन होता है वो किसके द्वारा जनरली एक्टिवेट होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट दिया है आपका हाइड्रोजन आयंस टू पैप्सिन एक्टिव नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्सी आयन टू पैप्सिन इनएक्टिव थर्ड है आपका हाइड्रोजन आय टू पैप्सिन इनएक्टिव और लास्ट है आपका हाइड्रोक्सी आयन टू पैप्सिन एक्टिव तो यहां पर बात हो रही है किसकी एक्टिवेशन की तो यानी कि यहां पर इनएक्टिव और इनएक्टिव ये टर्म आपकी क्या हो जाएंगी रिमूव हो जाएंगे अब बचता है क्या एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन अब यहां पर ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्सी आयन्स तो याद रखिएगा जो पेप्सिनोजन है जनरली ये एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में जनरली क्या होता है आपका एक्टिव होता है तो एच पॉजिटिव आयन टू तो पैप्सिन एक्टिव किसके द्वारा जनरली एच पॉजिटिव आयंस के द्वारा तो, तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर मेनी आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हैव द कैपेसिटी टू एक्टिवेट यानी कि बहुत सारे आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर आयंस के द्वारा क्या होते हैं एक्टिवेट होते हैं वहीं हम बात करें किसकी पैप्सिनोजन की ये किसके द्वारा आपका जनरली एक्टिव होता है एच पॉजिटिव आयन के द्वारा ये क्या होता है आपका पैप्सिन में क्या हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है यानी कि ये क्या है पैप्सिन क्या है एक्टिवेट फॉर्म होता है किसका आपके जनरली पैप्सिनोजन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन मैकेशन ऑफ एंजाइम यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है रॉन्ग है किसके लिए आपके एंजाइम के मैकेनिज्म के लिए चलिए फर्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट दिया है सबस्ट्रेट इज बाउंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जी हां यहां पर क्या लिया है

कॉम्प्लेक्स जी नहीं और प्रोडक्ट के बीच में कॉम्प्लेक्स ये स्टेटमेंट आपका क्या है रॉन्ग है तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर डी इज द राइट आंसर क्यों क्योंकि यहां पर क्या पूछा है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है तो so ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है रॉन्ग है ये वाला आपका स्टेटमेंट सही है ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है तो द करेक्ट आंसर इज डी इज द राइट आंसर तो यहां पर क्या लिखा हुआ है सबस्ट्रेट इज बाउंड थ्रू मल्टीपल नॉन कोवल एट द एक्टिव साइट यानी कि आपका एक्टिव साइट पे वो क्या करता है बाइंड करता है ये भी ट्रू है 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 नेक्स्ट आपका क्या दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये भी सही है और कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट एंड फ्री एंजाइम्स में आपका क्या होता है प्रोडक्ट में और फ्री एंजाइम्स में क्या होता है कन्वर्ट होता है ये भी हमारा सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? कि यहां पर कौन सा जो मॉडल है एंजाइम का मॉडल है जो कैसा है प्री सेव्ड है एंड द एक्टिव साइड रिजिड स्ट्रक्चर और जो एक्टिव साइड होती है वो कैसा है रिजिड स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर दो मॉडल होते हैं एक होता है लॉक एंड की मॉडल और एक होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल यहाँ पर बोथ ऑफ द तो ये ऑप्शन तो में नहीं आएगा नन ऑफ द भी ऑप्शन में नहीं आएगा यानी कि दो मॉडल की बात होती है लॉक एंड की की और इंड्यूस्ड फिट मॉडल की तो याद रखिएगा जो लॉक एंड की मॉडल होता है इसी में जनरली क्या होता है जो एंजाइम होता है ये प्री सेव्ड होता है एंड जो एक्टिव साइड होती है ये रिजिड स्ट्रक्चर होती है तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इज द करेक्ट आंसर तो यहां पर देख सकते हैं दिस मॉडल इज कॉल्ड लोक एंड की मॉडल बिकॉज इन दिस मॉडल द सबस्ट्रेट फिट इन टू द एक्टिव साइड जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइड में क्या होता है आपका जनरली फिट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर विच टाइप मॉडल कॉल्ड हैंड इन ग्लोब मॉडल यानी कि इनमें से दोनों मॉडल में से कौन से वाले मॉडल को हैंड इन ग्लोब मॉडल के नाम से जाना जाता है तो फर्स्ट दिया है आपका क्या लॉक एंड की मॉडल सेकंड है आपका इंड्यूस्ड फिट

तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज हैंड इन ग्लोब मॉडल इसी को हम क्या बोलते हैं हैंड इन ग्लोब मॉडल भी बोलते हैं जो कि किसके द्वारा प्रपोज किया गया था लैंड जी के द्वारा आपका क्या हुआ था ये प्रपोज हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पर विच इज़ नॉट टाइप ऑफ़ रिवर्सिबल एंजाइम यानी कि इनमें से कौन सा टाइप आपका रिवर्सिबल एंजाइम इनिवेटर नहीं है चलिए फर्स्ट दिया है आपका क्या कॉम्पिटेटिव सेकेंड है आपका क्या नॉन कॉम्पिटेटिव थर्ड है आपका अनकम्पिटेटिव और डी है आपका क्या नॉन ऑफ द अब तो यहां पर क्या पूछा है इनमें से कौन सा वाला आपका रिवर्सिबल एंजाइम का टाइप नहीं है

कि इनमें से कोई भी आपका क्या नहीं है आपका इन पार्ट नहीं है ये सारे ही किस में आते हैं रिवर्सिबल के वाले पार्ट में आते हैं तो करेक्ट आंसर क्या है आपका डी इज द करेक्ट आंसर तो यहां पर देख सकते हैं एंजाइम इनिबिटर्स में एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इिवर्सेबल रिवर्सिबल में आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव और सबस्ट्रेट एनालॉग, नॉन कॉम्पिटेटिव अनकॉम्पिटेटिव यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा वाला रिवर्सिबल का पार्ट नहीं है ये तीनों ही रिवर्सिबल में आते हैं इसीलिए ऑप्शन का राइट right आंसर क्या हो गया नन ऑफ द अब यानी कि ऊपर के ऊपर में से कोई भी आपके नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है विच टाइप ऑफ इनिमीटर डज नॉट हैव एफिनिटी फॉर फ्री एंजाइम किस टाइप के इनिवीटर में जनरली एफिनिटी नहीं होती है किसके लिए फ्री एंजाइम के लिए ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट दिया है आपका कॉम्पिटेटिव सेकेंड आपका नॉन कॉम्पिटेटिव थर्ड दिया है आपका अनकम्पिटेटिव और लास्ट दिया है नन ऑफ द अब तो यहां पर आंसर में पूछा है फ्री एंजाइम के लिए तो याद रखिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या दिए हैं इनिविटर्स दिए हुए हैं जो कि कैसे हैं रिवर्सेबल इनिविटर है, Reversible inhibitors है. अब इनमें भी पूछा है कि कौन सा वाला आपका इनिवेटर है जो कि फ्री एंजाइम के लिए जनरली एफिनिटी शो नहीं करता है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा यहां पर नॉन कॉम्पिटेटिव आपका जनरली क्या है राइट right आंसर है तो द करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर इट डज नॉट है डिक्रीज बोथ मैक्स एंड के एम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर अकर्स बिटवीन सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट एंड इज कॉल्ड यानी कि के बीच में और इनिविटर के बीच में कॉम्पिटिशन क्या कहलाता है डेफिनेटली क्या कहलाएगा कॉम्पिटिशन ही कहलाएगा तो फर्स्ट कह दिया है कॉम्पिटेटिव सेकेंड आपका क्या है नॉन कॉम्पिटेटिव थर्ड है आपका अनकम्पिटेटिव और फोर्थ है आपका क्या नन ऑफ द अब तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कॉम्पिटेटिव कहलाएगा क्या कहलाएगा कॉम्पिटेटिव कहलाएगा तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर ए कॉम्पिटेटिव इनिवेटर इज यूजुअली ए स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ द सबस्ट्रेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इनिवेटर आई क्लोजली रिसेम्बल दैट ऑफ द सबस्ट्रेट कैसा होता है आपका इक्वल होता है एक जैसा होता है तो ये क्या कहलाएगा आपका जनरली कॉम्पिटेटिव कहलाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर रेनिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जो रेनिन होता है इसको यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है फर्स्ट दिया है आपका क्या हाइपर पैराथाइरोडिज्म सेकेंड है आपका बोन डिसीज थर्ड है आपका मसल डिसीज और फोर्थ है आपका क्या गैस्ट्रिक एचाइलिया तो यहां पर याद रखिएगा जो आपका जनरली रेन होता है ये यूज किया जाता है किसके लिए गैस्ट्रिक के लिए जनरली क्या किया जाता है यूज किया जाता है तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एचाइलिया तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जनरली क्या होती है कंडीशन होती है उसमें यह प्रिफर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है थेरापुटिक एप्लीकेशन ऑफ पैपेन पैपेन का थेरापुटिक एप्लीकेशन पूछा है फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका क्या एक्यूट लिम्पो ल्यूकेमिया सेकेंड है आपका टोलाइज इंट्रावस्कुलर क्लॉट थर्ड है आपका डिनेज एप्लाइड लोकली और फोर्थ है आपका एंटी इंफ्लामेटरी तो जो आपका पेपेन होता है जनरली इसका थेराप्यूटिक एप्लीकेशन क्या होता है एंटी इंफ्लेमेटरी तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर तो यहां पर पेपेन क्या है आपका जनरल थेराप्यूटिक एप्लीकेशन क्या है एंटी इंफ्लेमेटरी है आपका वही हम एस्पाराजिनेज और आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है एस्पाराजिनेज आपका एक्यूट लिम्पोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में जनरली यूज प्रेफर किया जाता है वही स्ट्रेप्टोकाइनेज और स्टेप्टोडोराज आपका जनरली यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है विच एंजाइम सो थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ लाइज इंट्रामस्कुलर क्लॉट लाइज के लिए जनरली कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कौन सा एंजाइम जनरली प्रिफर किया जाता है तो फर्स्ट दिया है आपका क्या थर्ड है, आपका है, आपका क्या? और फोर्थ है आपका? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर है यहां पर ए एंड बी यानी कि स्ट्रेप्टोकाइने और ये दोनों ही क्या किए जाते हैं प्रीफर किए जाते हैं आपके इंट्रावस्कुलर के लिए द करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर विच एंजाइम इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक टू पेनिसिलिन यानी कि जिन भी पेशेंट को पेनिसिलिन से क्या होता है एलर्जी इंड्यूस होता है उनके लिए कौन सा एंजाइम आपका क्या किया जाता है प्रेफर किया जाता है ऑप्शन में क्या दिया है पैनिसिनेज एंजाइम लाइजोजाइम्स रेनिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज पैनिसिलिन नेज एंजाइम जनरली क्या किया जाता है प्रिफर किया जाता है जनरली किस कंडीशन में जब भी एलर्जी होती है पेनिसिलिन से रिलेटेड तो वहां पर ये एंजाइम क्या किया जाता है प्रिफर किया जाता है तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर तो इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन आर एलर्जिक टू पेने से रिलेटेड जिसको एलर्जी होती है उनके लिए जनरली क्या किया जाता है यहां पर एंजाइम इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रोमेटिक और पोस्ट ऑपरेटिव एडिमा यानी कि कौन सा एंजाइम ट्रोमेटिक एंड पोस्ट ऑपरेटिव एडिमा में जनरली क्या किया जाता है प्रिफर किया जाता है तो देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका कॉलेजिनेज कॉलेजिनेज एंजाइम हमने पढ़ा था अभी अल्सर में और आपके जनरली डर्मल अल्सर में और बर्न के केस में प्रिफर किया जाता था नेक्स्ट है आपका क्या फाइब्रिनोलाइजिन नेक्स्ट है आपका क्या हाइलोनिडेज और लास्ट है आपका क्या लाइजोजाइम्स तो यहां पर याद रखिएगा जो आपका ट्रॉमेटिक एंड पोस्ट ऑपरेटिव एडीमा में प्रीफर किया जाता है उसका नाम क्या है डेज एंजाइम आपका क्या किया जाता है prefer किया जाता है तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर ये आपका क्या करता है इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग टिश्यू परमेबिलिटी इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रोमेटिक ऑन पोस्ट ऑपरेटिव एडिमा ये क्या करता है टिश्यू परमिटी को इनहेंस कर देता है इंक्रीज कर देता है तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच